दिल्ली बीजेपी में सीएम उम्मीदवारी पर किस पार्टी के नेताओं ने बुलंद किए विरोध के स्वर। सांसद मनोज तिवारी बोले, जो व्यक्ति दो दिन पहले पार्टी में आया इसका मतलब ये नहीं कि वो सीएम कैंडिडेट बन गया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पर्चा भरने से पहले मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। मैंने नाराजगी कोई नहीं जताई है, मैंने जो हो रहा है हमारी पार्टी के अंतर्गत वही कहा है। लोगों ने कहा या मीडिया में हम भी देखते हैं कि सीएम कैंडिडेट हैं क्या, सीएम कैंडिडेट हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। किरण बेदी की चाय पार्टी को लेकर भी मनोज तिवारी बोले, कहा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नहीं था निर्देश। जहाँ तक चाय की बात है तो चाय पे हमको भी संदेश आया था, लेकिन मुझे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने नहीं कहा जिनके निर्देशन में हम लोग काम करते हैं, इसलिए हम नहीं गए। किरण बेदी के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं मनोज तिवारी, कहा डिक्टेटर की तरह बात करती हैं किरण। देखिए, व्यवहार पे आपत्ति तो है, हमारे कई दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने हमें कहा कि उनका जो रवैया है, जिस तरह से बात करती है, वो डिक्टेटर की तरह बात करती है, तो वो ठीक नहीं लगा। आज तक से बातचीत में बोले तिवारी, कहा दिल्ली में मोदी के नाम पर चुनाव लड़े बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को चलो चले मोदी के साथ आगे बढ़ रहे हम लोग, और इस पे हमें बढ़ना चाहिए। अगर आप ये मेरे से पूछते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो चलो चले मोदी के साथ बहुत अच्छा नारा है। किरण बेदी जी को भी कहना चाहिए चलो चले मोदी के साथ, सबको, सब लोग चले। आज तक से बातचीत में बोले मनोज तिवारी, कहा थानेदार और नेता में होना चाहिए फर्क। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने का हो सकता है ऐलान। किरण बेदी मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के? किरण बेदी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे? कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, इस संबंध में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फैसला करती है। संसदीय बोर्ड के साथ आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक, किरण बेदी की सीट को लेकर भी होगा फैसला। आज दिल्ली विधानसभा के लिए जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट, सभी 70 सीटों के लिए घोषित हो सकते हैं उम्मीदवार। आज से किरण बेदी शुरू करेंगी बीजेपी के लिए प्रचार अभियान, शाम 5 बजे रोहिणी में किरण बेदी का पहला रोड शो। किरण बेदी को लेकर कांग्रेस का वार, अजय माकन का ट्वीट, पार्टी पर मचा है घमासान, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हो रहा है सब कुछ। चुनाव जब शुरू हुआ तो मोदी जी के नाम से हुआ, पूरा लखनऊ मोदी जी के पोस्टरों से ढका हुआ है। रामलीला के मैदान में उनकी जो जनसभा थी वो फ्लॉप हो गई, वो असफल हो गई। अब लगता है मोदी जी को अपने चेहरे पर विश्वास नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं से, दिल्ली के चुनाव में हल्के में ना लें, दिल्ली का चुनाव हमारे लिए परीक्षा। मगर मैं कहने आया हूं आपको कि दिल्ली हम किस तरह से जी, ये हमारी एक अलग प्रकार की परीक्षा है, मान लीजिए हमारे एग्जामिनेशन। अमित शाह का दावा, दिल्ली में हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन हम सिर्फ मोदी के नाम पर नहीं, पार्टी और बूथ कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेंगे। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। जो लोगों में रोज एक झूठ बोलने की क्षमता हो, उनका भी एक असर होता है या नहीं होता है,
उनको एक्सपोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी की सभा में हंगामा। पार्टी नेता आशुतोष को बंधक बनाने की कोशिश। लोहे की ग्रिल फांदकर भागे आशुतोष। टिकट नहीं मिलने से नाराज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने सभा में किया हंगामा। आशुतोष से कहा, जवाब नहीं मिलने तक जाने नहीं दूंगा। करीब 100 छात्रों को अपने साथ लेकर सभा में पहुंचे थे राजेश गर्ग। मंच पर सबके सामने आशुतोष को सुनाई खरी खोटी। हॉल का मेन गेट बंद कर आशुतोष को बंधक बनाने की हुई कोशिश। कुछ कार्यकर्ताओं की मदद से पिछले दरवाजे से लोहे की नुकीली ग्रिल फांद कर भागे आशुतोष। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भरा पर्चा। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज से लड़ेंगे चुनाव। जनता डिसीजन कर चुकी है और जनता तो पूर्ण बहुमत के साथ इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आ रही है। पुराने पार्टी के आने की वजह से राह मुश्किल हुई है या आसान हो गई है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको तो जिस चीज से लड़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी है जो महंगाई भी बढ़ा रही है, अपराध भी बढ़ा रही है। पर्चा भरने से पहले पूजा पाठ करने गए मनीष, फिर कार्यकर्ताओं के साथ इलाके में निकाली पदयात्रा। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने बिकल थामा बीजेपी का दामन। सतीश उपाध्याय की मौजूदगी में हुए शामिल। सूत्रों के अनुसार पटकड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया के खिलाफ हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। बढ़ सकती है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। नोट के बदले वोट वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की शिकायत। केजरीवाल के वोट के बदले नोट वाले बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी साधा निशाना। केजरीवाल ने एक चुनावी सभा में कहा था, बीजेपी और कांग्रेस वाले पैसे देने आए तो मना मत करने ना, रख लेना, पैसे ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी को देना। दोनों पार्टी आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी, पैसे देने आए मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे लेकिन वोट झाड़ू पे इस बार धोखा देंगे हम इनको। चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर लवली ने दी सफाई। कहा, मेरे लिए गर्व की बात, सिर्फ गांधी ही नगर नहीं पूरी दिल्ली में जीतेगी कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाकू ने किया ऐलान। कांग्रेस ने लवली के चुनाव नहीं लड़ने पर दिया तर्क। कहा, लवली देखेंगे संगठन का कामकाज। कांग्रेस बड़ी है, अरविंदर सिंह लवली बड़े नहीं है, और मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है अगर पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि मुझे जो है चुनाव का संचालन करना है और मुझे जो है सारे उम्मीदवारों के कैंपेन करना है, इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना है। मेरे लिए इससे सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती। केजरीवाल पर फिर से कांग्रेस ने बोला हमला। आज किया यू टर्न, बुकलेट नाम है 49 दिन की केजरीवाल सरकार, दिल्ली हुई बेहाल। देखिए, अभी हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमको एक बार अभी आपने हमें बताया है, हम लोग यहां पर हैं, हमें इसकी जानकारी तो ले लेनी थी। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं कांग्रेस की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ। अमित शाह से की मुलाकात। कृष्णा तीरथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। अजय माकन बोले, हमें नहीं पता। देखिए, अभी हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमको एक बार अभी 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 आपने हमें बताया है, हम लोग यहाँ पर हैं, हमें
हमें इसकी जानकारी तो ले लेनी चाहिए। ओबामा दौरे से पहले लश्कर की आतंकी साजिश, आईबी ने किया अलर्ट, भारत पाक सीमा पर बढ़ाई गई गश्त। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, ओबामा की भारत यात्रा के दौरान आतंकवादी हमला हुआ तो खैर नहीं। अमेरिका ने कहा ओबामा के भारत दौरे के दौरान सीमा पर आतंकवाद की कोई घटना ना हो, नहीं कोई कोशिश की जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया अगर ओबामा की यात्रा के दौरान कोई भी घटना हुई तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार रहे पाकिस्तान। तीन दिन के दौरे पर 25 जनवरी को भारत पहुंच रहे हैं ओबामा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि लेंगे हिस्सा।